बंद दुकान में कहीं से घूमता फिरता एक सांप घुस गया। दुकान में रखी एक आरी से टकराकर सांप मामूली सा जख्मी हो गया। घबराहट में सांप ने पलटकर आरी पर पूरी ताकत से डंक मार दिया, जिस कारण उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। अब की बार सांप ने अपने व्यवहार के अनुसार आरी से लिपटकर उसे जकड़कर और दम घोट कर मारने की पूरी कोशिश कर डाली। अब सांप अपने गुस्से की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। दूसरे दिन जब दुकानदार ने दुकान खोली तो सांप को आरी से लिपटा मरा हुआ पाया, जो किसी और कारण से नहीं केवल अपने तैश और गुस्से की भेंट चढ़ गया था। कभी कभी गुस्से में कुछ लोग दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कहानी का सार ये है कि अच्छी जिंदगी के लिए कभी कभी हमें कुछ चीजों को, कुछ घटिया लोगों को, कुछ घटनाओं को, कुछ कामों को और कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए। अपने आप को मानसिक मजबूती के साथ इग्नोर करने का आदि बनाइए। सबसे बड़ी शक्ति सहन शक्ति है। संयम ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी की नजरों में। हमेशा याद रखिए, इट्स नॉट द एक्शन, इट्स द रिस्पॉन्स विच मेक्स द डिफरेंस। इसीलिए अपना रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव रखिए, भले ही दूसरे का एक्शन आपके प्रति नेगेटिव हो। धन्यवाद।